इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, भारत वालों के लिए तो यही वर्ल्ड कप का फाइनल है। मेरे साथ है प्राउड इंडियंस जो बात करेंगे। अर्जुन, इंडिया पाकिस्तान के मैच है, कितने एक्साइटेड हैं आप? आई थिंक दिस द बिगेस्ट इवेंट, यू नो, जब इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेलती है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स फॉर बोथ ऑल द पाकिस्तानी पीपल एंड फॉर इंडियंस। तो बहुत एक्साइटमेंट है एंड आई होप द मैन इन ब्लू डू इट अगेन। आप मैच देखने वाले हैं? 100% देखूंगा। पूरी मैच देखेंगे? पूरी मैच देखूंगा 100%। जैकलिन, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? I'm actually the wrong person to ask because I don't really watch that much cricket, but you know, because it's it is a sport that our you know, me being a Sri Lankan, and you know that India, I mean entire Southeast Asia, and actually very many different parts of the world as well, they swear by. I mean, they love the sport. It is something that I do kind of am aware of and I do keep track of. But I'm the wrong person to ask about anything. I just wish the men in blue. I wish everyone, every team. It's a sport. The best person has to win, and I of course have. Well, fans will not like this, Jacqueline, because they want you. They, of course, they. You live in India, this is your second row. Blue, blue, blue. You cannot do this to me. I of course have my favorite teams, but and I know who I will be personally supporting. You're only supporting Sanghakara. Only Sanghakara. Sanghakara. He plays very good cricket. No, honestly, if I ever was to see a cricket match, it would probably be the India Sri Lanka match. Kisko support? I love them both, because I love them both. So, like, you know, for me, it's like I watch and I just hope and pray that a tie happens. Vikram, aapka expect kar rahe? Expecting a damn good cricket match. I'm a big cricket fan, but I tip India to win this. अमित जी कमेंट्री करने वाले हैं, ये हम सबके लिए बहुत बड़ा एक्साइटमेंट का वो है कि उनकी आवाज में यू नो कमेंट्री सुनने मिलेगी। क्या सोचते हैं आप? अमित जी को ऑल द बेस्ट। अमित जी, यू नीड इट, क्योंकि मैं अमित जी मैं जानता हूं, अमित जी को वो बहुत ही बड़े क्रिकेट फैन है और उन्हें बहुत मजा आता है और बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, तो मुझे पता नहीं वो आई थिंक उछल उछल के कॉमेंट्री कर रहे होंगे वहां पर। इट विल बी रियली रियली अमेजिंग टू थिंक। आपने कभी उनके साथ मैच कोई देखी है या अपडेट्स पढ़ी है? नहीं, हम लोग ने देखी, हमने फिल्में भी काफी की है साथ में, तो जब भी कोई भी मैचेस आते थे मैंने देखा है कि वो कैसे मैच देखते हैं, तो उछलते रहते हैं सब जगह, ग्रेट चलाते रहते हैं, तो इट्स रियली फन। आई होप ही कॉमेंटेटर को थोड़ा बैठना पड़ता है सीट पे। अर्जुन, अब तक इंडिया वर्ल्ड कप में कोई मैच पाकिस्तान से नहीं हारी है, तो इंडियंस एकदम बहुत सारे एड्स भी ऐसे बने हुए जहां पाकिस्तानी पटाखा फोड़ खरीद के बैठे हुए, आपकी फिल्म में मैंने देखा, फिल्म के साथ अटैच था वो कि वो पटाखे लेकर बैठे कि इस बार तो फोड़ने मिले, तो आपको क्या लगता पाकिस्तानी लोग तो इस बार पटाखे कौन फोड़ेंगे, इंडियंस फोड़ेंगे या पाकिस्तानी फोड़ेंगे? नहीं, पाकिस्तानी फोड़ेंगे हमारे लिए। क्या बात है, एकदम यंग टीम है और सारे प्लेयर्स, रोहित शर्मा बहुत फॉर्म में है, विराट है, धोनी है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? Like I said, superb game expect kar raha. I think Pakistan has a very, very strong team, a damn good bowling lineup. We have a decent bowling lineup, a damn good captain, and a damn good batting. As I said, I think it's going to be a close game, but at the end of it, the last 45 minutes, India will take it away. I'm sure about that. Sachin नहीं है, सचिन के बिना ये वर्ल्ड कप खेल रहे हैं हम, सचिन को सब लोग मिस करने वाले हैं। आप पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं, आमतौर पर स्ट्रॉन्ग। हाँ, मैंने देखा था उनका, एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान गेम मैंने देखा था साउथ अफ्रीका में, आई थिंक सचिन गॉट आउट ऑन 98 शोएब अख्तर, और वो फर्स्ट बॉल जो उन्होंने शोएब अख्तर को ऐसे पीछे से मारा था फॉर अ सिक्स एट कम राइट नेक्स्ट टू मी इन साउथ अफ्रीका, और वो मेरा एक ड्रीम था कि मैं एक इंडिया पाकिस्तान मैच देखूं वर्ल्ड कप में, एंड आई सीन इट इन जोहानिसबर्ग। तो यस, आई मीन सचिन इज बीन अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूटर, वी विल मिस हिम, मगर एक टाइम होता है, यू नो, नाउ इट्स टाइम, वी गॉट ग्रेट प्लेयर्स लाइक विराट एंड रोहित हु आर इन ग्रेट यू नो फॉर्म, सो आई एम श्योर वी विल स्टिल डू इट। फेवरेट क्रिकेटर कौन है अभी फिलहाल की टीम में? फिलहाल की टीम में आई थिंक इट्स अ टॉस अप मेरे लिए बिटवीन धोनी एंड विराट। धोनी विथ हिज एक्सपीरियंस, हिज कूलनेस, हिज बीन द बेस्ट कैप्टन वी एवर हैड, और विराट बिकॉज आई थिंक इज जस्ट अ फिनोमिनल टैलेंट। तो कल के मैच का हीरो कौन होगा, आपको क्या लगता है? 11 लोग खेलेंगे और सारे 11 की 11 हीरो होंगे। क्या बात है, 11 हीरो होंगे तो कोई इंडिया को हरा ही नहीं सकता। जैकलिन, आप देखेंगी कल का मैच?
थी. I don't know. Let's see. भी करा फिर मेकर वाचिंग करा. हाँ, because ये shooting में आप लोगों को उठा थी ना. Sorry जी. Shooting में आप लोगों को सुबह सुबह ही उठाया करती. हाँ, बहुत उठाया करती थी. अर्जुन को ज़्यादातर क्योंकि अर्जुन का कमरा उसके एकदम सामने था. मैं तो थोड़े अवे था तो मैं तो बच गया. टीम इंडिया को चेयर करने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? चेयर करने के लिए I just say that you guys are great, yaar. Hausla rakhiye and you're the men in blue. You're the champions. You're the world champions. And go and get that cup back. Fine, I'll take this. We won't give it back. We won't give it back. Yes. We won't give it back. कोई एक गाना जो आप टीम इंडिया के लिए कहना चाहें, lines? टीम इंडिया के spirit के लिए या टीम इंडिया के हौसले के लिए? क्या है यार, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? तुम्हें जैकलिन को ले जाओ, चिट्टिया कलैया करेंगे. जैकलिन अगर चिट्टिया कलैया करेगी तो प्लेयर्स में जरूर जोश आएगा और टीम जीत जाएगी. तो हम मैच के पहले ही इंडिया के लिए चेयर करें. कम ऑन इंडिया. चलिए, तो जब सब लोग इंडिया के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और इंडिया वाले पटाखे फोड़ेंगे, पाकिस्तान वाले भी इंडिया के लिए ही पटाखे फोड़ेंगे, इसी उम्मीद में लोग देखना चाहते हैं भारत और पाकिस्तान का ये वर्ल्ड कप की मैच.